सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। 3 मई तक के लिए देश भर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया। खैर, इसके अलावा उन्होंने 7 बातें और बताई हैं। कहा है कि इन 7 बातों में मुझे आप सभी का साथ चाहिए। अब हम आपको उन 7 बातों से अवगत कराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ अंत में मैं आज 7 बातों में आपका साथ मांग रहा हूँ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरे तरीके से पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए नियमों का निर्देशों का पालन करें। गर्म पानी, काढ़ा, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करें लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को भी नौकरी से ना निकालें। सातवीं और आखिरी बात, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी का पूरा पूरा सम्मान करें। पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जहां हैं वहां रहें, सुरक्षित रहें। व्यम राष्ट्र जागृयाम। हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खैर, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।